नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सबूत नहीं है, कोई बात नहीं। सेक्शन 13 है कि कोई भी कंप्लाइंसेस डाइवोर्स के लिए आपकी फुलफिल नहीं हुई है, कोई बात नहीं। मगर आप डाइवोर्स इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं अपने केस के अंदर लड़ते लड़ते भी, या अपने स्पाउस से इस बात से परेशान हो चुके हैं कि आपका स्पाउस बेसिकली, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, आपको सिर्फ दुख दे रहा है। रोज की लड़ाई झगड़े, रोज की परेशानियां। अगर ये सब स्थितियां आपके साथ हैं और फिर भी सबूत में परेशानी हो रही है कि हाँ मैं सबूत दिखा नहीं पा रहा हूं या दिखा नहीं पा रही हूं, तो ऐसी सूरत के अंदर आप आसानी से तलाक ले सकते हैं। अब आपको बहुत सारी क्रुएल्टीज दिखाने की जरूरत नहीं है, अब आपको बहुत सारे एविडेंसेस दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं रहना साथ तो आपका अलग होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की थी, अब कई हाईकोर्ट्स भी इस तरह की कोशिशें करने लगे हैं, क्योंकि ये तो क्लियर हो चुका है कि हमारे लोग जो कोर्ट्स में काम करते हैं, जो कि माननीय जज के रूप में काम करते हैं, वे सब हमारे समाज का हिस्सा है। वो समाज में होती हुई ये परिस्थितियां, ये स्थितियां, इन सबको ऑब्जर्व करते हैं। सिर्फ वो मैकेनाइज नहीं है, उनमें भी इमोशंस हैं। क्या हो सकता है, आज का ये वीडियो इसी संभावना पर बात करेगा। क्या हम डाइवोर्स ले सकते हैं बिना सबूत के? क्या हम अपनी क्रूरता बिना साधे, हम क्या सीधा डाइवोर्स से फ्री हो सकते हैं? वो भी कंटेस्टेड डाइवोर्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर म्यूचुअल में आपका पार्टनर तैयार नहीं हो रहा है तो। इसीलिए दोस्तों, हम एजुकेटेड करने की कोशिश करते हैं लोगों को, और इसके लिए हम कोर्सेज चलाते हैं। क्रैश कोर्स है, जो आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड वर्जन होता है। मेन कोर्स है, जिसके अंदर मैं और मेरी टीम आपको असिस्ट करते हैं, आपको जैसे जैसे आपकी परिस्थिति आती है उसके हिसाब से गाइड करते हैं, और उसके अंदर एक तरीके से मान लीजिए कि आपके इंडिविजुअल केस के हिसाब से ही इसकी डिजाइनिंग होती है, और उसमें आपको सपोर्ट किया जाता है हर तरह से। जितना टेक्निकल गाइडलाइंस हो सकती हैं और प्रैक्टिकल हो सकती हैं, वो सब बताया जाता है। इसी वजह से काफी लोग अभी हमारे कोर्सेज लेने के बाद या तो अपने केसेस से बाहर आ चुके हैं या आने वाले हैं या बेहतरीन कर रहे हैं अपने केसेस के अंदर, और कई लोग तो खुद अपने केसेस को डील भी कर पा रहे हैं। 14% लोगों के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। तो आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, डिटेल लीजिए और फिर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं समाधान कर सकता हूं, तो फिर इसी व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लीजिए, बात होगी आपसे और समाधान करने की कोशिश की जाएगी। मुद्दे पे आते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी संभावनाएं क्लियर हो चुकी हैं कि अभी संभावना नहीं, ये फैक्ट का रूप ले चुकी है, और ये क्लियर है कि पति पत्नी का आज के टाइम में साथ रहना मुश्किल हो रहा है कई केसेस के अंदर। और इस वजह से क्या होता है कि पति जो खास तौर से है वो सफरिंग पे चला जाता है, कि उसको ना केवल अलग रहने की एक त्रासदी तो झेलनी पड़ती है, पत्नी की तरफ से झूठे केसेस भी झेलने पड़ते हैं, और उन झूठे केसेस की वजह से वो लड़ भी ले उनको, मगर ऐसी पत्नी का नाम लेकर जिंदगी भर कैसे चले, क्योंकि केसेस तो हो सकता है लंबे चल जाए, पर वो कम से कम अपनी आजादी तो जी सकता है। ऐसा ही पत्नियों की स्थिति में, कई ऐसे पति होते हैं जो पत्नियों को बहुत अत्याचार करते हैं, पत्नियां भूल जाती हैं कि ऐसे टाइम पे एविडेंस बना के कोर्ट में खड़ी हो सकती हैं, अत्याचार झेल देती हैं, या फिर अलग जाके रहना ही एक सोल्यूशन नजर आता है। अब ये टाइम निकल रहा होता है पर जिंदगी खराब हो रही होती है, या फिर गलत सलाह मिलने पर अक्सर झूठे केस भी लगा दिए जाते हैं। तो क्या इनका कोई सोल्यूशन है? अगर हम कंटेस्टेड डाइवोर्स की बात करते हैं तो हमें वहां पर सबूत लेकर ही जाना पड़ेगा, क्रूरता की बात हो रही है। मगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है? इससे पहले हम जरा कोर्ट्स का परिदृश्य इसके मामले में समझते हैं, उनकी क्या विचारधारा है, वो कैसे समझते हैं। देखिए, ये शुरुआत जो है बहुत पहले हो गई थी, मगर इस पर तब सुबगहाट थी, अब क्या है खुलकर बात होने लगी, जब से आर्टिकल 142 के अंतर्गत एक लेटेस्ट अभी 2-3 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जिसमें साफ कहा था कि अगर आपकी शादी जो है वो इरिवर्टिबल डैमेज ऑफ रिलेशनशिप को भुगत रही है, तो आप डायरेक्ट हमारे पास आए और इसको कन्वर्ट करा सकते हैं सीधे डाइवोर्स में। आपकी वाइफ आना चाहे तो ठीक है, नहीं आना चाहे आप प्रॉपर एविडेंसेस दीजिए, आप निकल जाएंगे बाहर अपने इस पॉइजनस रिलेशनशिप के बीच में से। अब इसमें एक दो कदम और भी आगे बढ़ना शुरू हुआ, यहां पर अब इस तरह के जो सिचुएशंस हैं वो रेगुलर आने लगी, तो कोर्ट्स ने इसको बकायदा एक परंपरा के अनुसार डाल लिया। अभी कानून के रूप में ये स्थापित नहीं हुआ है, पर परंपरा के आधार पर अब ये समझने की देर नहीं लगाती कोर्ट की, देखिए दोनों पति पत्नी या तो बहुत लंबे टाइम से अलग रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ किसी तरह के संसर्ग में नहीं है, ये भी साबित हो जाता है तो भी केस खत्म। अगर ये नहीं होता है, सिर्फ केस चल रहा है, पत्नी ने झूठे केस डाल रखे हैं, 2-4 साल हो चुके हैं पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तो पति बकायदा उन झूठे केसेस को लड़ता रहे मगर अपना डाइवोर्स अप्लाई कर सकता है चलते केस के अंदर, और उसके लिए वो ज्यादा भी कुछ नहीं कर सके तो सिर्फ इतना दिखा दे कि झूठे केस अभी तक उसने कुछ साबित नहीं किया, और झूठे केस क्योंकि उसने साबित नहीं किए मेरी पत्नी ने, तो इस वजह से कम मुझे उससे फ्री तो कर दिया जाए, केस तो हम लड़ते रहेंगे बाकी के 498 DV 125 जो भी झूठा सच्चा। इससे क्या है कि आपकी राह आसान हो जाती है, कम से कम दूसरी शादी कर सकते हैं, या फिर आप कम से कम ऐसे रिश्ते से बाहर आ सकते हैं जहां पर बहुत सारी जिम्मेदारियां जबरदस्ती आप पे थोपी जा रही है, बल्कि सामने वाला आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। अब इसके अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक नई पहल कर दी है,
उन्होंने इस बात की सिफारिश कर दी एक फैसला सुनाते वक्त कि पत्नी जो है पति के तलाक को चैलेंज करने चली गई हाईकोर्ट के अंदर। लोअर कोर्ट जो फैमिली कोर्ट है बकायदा वहां पर यह बात तय हो गई थी कि ये शादी नहीं चल सकती, इसको खत्म कर दिया जाना जरूरी है। और पति के पास अच्छे खासे एविडेंसेस भी थे। पत्नी जब हाईकोर्ट गई तो हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए मैडम आप सबूत दीजिए, सबूत देने के नाम पे जीरो, खारिज कराना है तलाक। क्यों? क्योंकि सिर्फ हैरेसमेंट करना है पति का। तो इस सूरत में इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जब आपके पास सबूत नहीं है, आप अपने पति को सिर्फ परेशान करने के लिए इस तलाक को खारिज कराना चाहती हैं, बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अब क्योंकि आपको तलाक खारिज होता हुआ नहीं दिख रहा है तो आपने बात घुमाना शुरू कर दिया। तो इस वजह से कोर्ट ने ये जनरल सिनेरियो बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रखा था, तो वहां पर कुछ बातें जरूरत से ज्यादा समझकर अपनी तरफ से एक अच्छा और प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन दिया कि ऐसी बहुत सारी शादियां हैं जहां पर या तो पति पत्नी आपस में झगड़ा करते रहते हैं और उनके पास कोई सबूत नहीं होता है। उन झगड़ों को भी आधार बनाकर अगर कोई भी स्पाउस वहां पर आता है कोर्ट के अंदर तो उसे तलाक दिया जाना चाहिए। और 13A के अंदर इररिवर्टेबल डैमेज ऑफ रिलेशनशिप को बकायदा एक नए कानून के रूप में जोड़ लेना चाहिए कि अगर जिसके पास सबूत नहीं है मगर किसी न किसी तरह से कलह और बहुत परेशानियां एक जो स्पाउस है दूसरे की वजह से भुगत रहा है या दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं और सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है, एक तलाक देना नहीं चाहता क्योंकि वो और हैरेस करना चाहता है यही सब हरकतें करके और एक तलाक लेना चाहता है, तो ऐसी सूरत में म्यूचुअल हो नहीं सकता, कंटेस्टेंस में जा नहीं सकता क्योंकि वहां कंटेस्टेंस डाइवोर्स में यही है दिक्कत कि वहां सबूत देना मुश्किल है और अभी सबूत की स्थिति पे वो आदमी है नहीं। तो जितना जहां तक वो साबित कर सकता है उसी को आधार मानकर डायरेक्ट डाइवोर्स का ऑप्शन क्यों ना दे दिया जाए। और यहां पर भी पत्नी को यही बात कही गई कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा आप ये तो समझिए कि आप इतने टाइम से अपने पति के साथ 8 से 10 बार बकायदा मीडिएशंस कर चुकी हैं कोर्ट्स के थ्रू अलग अलग टाइम पे, या फिर आपने क्या किया है कि उन मीडिएशंस को हमेशा फेल करवाया है। उसके अलावा आपने सिर्फ केस कर रखे हैं, आपने अपने पति के साथ रहने या साथ रहने की कोई इच्छा ना तो उसको पर्सनली मिलकर बोली है ना कोर्ट के अंदर बोली है, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि आप तलाक नहीं चाहती? तलाक नहीं चाहने का कारण तो यह कि घर स्थापित करना चाहती है, गृहस्थी स्थापित करना चाहती है और ऐसा आपका कोई नजरिया नहीं है। तो इस आधार पर कोर्ट ने इस बात को पत्नी के डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आपका कारण ही नहीं बनता है कि डाइवोर्स खारिज कराया जा सके। और इसी सब रीजंस को दिमाग में रख के बकायदा उन्होंने एक पेशकश और रख दी और शायद ये बहस चालू हुई है तो जल्दी ही इसका नतीजा भी आएगा कि जल्दी ही इसके लिए गाइडलाइंस आएंगी कि अगर बिल्कुल सबूत नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है तो फिर इस तरह की पोजिशन सेट कर देनी चाहिए। दोस्तों आपको भी ये समझना चाहिए थोड़े बहुत सबूत हैं इसी को ग्राउंड बनाकर आप सारी क्रुएल्टीज दिखाते रहिए, पर कम से कम केसेस को तो आप क्रुएल्टी के रूप में दिखाई सकते हैं अगर आपके पास कोई सबूत नहीं, झूठे केसेस जो आपके आपके बीवी ने लगाए आसानी से निकल सकते हैं। समझाने की जरूरत है, कोर्ट समझ रहे हैं और आसानी से आप इस आधार को इररिवर्टेबल डैमेज ऑफ रिलेशनशिप जो है इसको बकायदा कोर्ट के सामने पेशकश के रूप में रख सकते हैं कि अब इसमें कुछ भी संभावना नहीं है इस रिश्ते के अंदर, मुझे आजाद कर दिया जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि इसके बारे में और जानकारी ली जा सकती है तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, ड्राफ्टिंग की पेशकश भी कर सकते हैं, वैसे आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या फायदा लेंगे अब आप अपने झूठे बेईमान रिलेशनशिप और झूठे केसेस के खिलाफ अब तलाक के रूप में।